नमस्कार, डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हमने हिंदी और सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा की है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनंत का विलोम है, अंत, संत, पंत, महंत। यहाँ पर आपका सही उत्तर है अंत। अगला प्रश्न है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, पहला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि संसार की भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। यहाँ पर विकल्प ए सही है। जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है, ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर आपका सही उत्तर है संदिग्ध भूतकाल। UPSSF का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पर आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एटा, उन्नाव, रामपुर, सिकंदरा। यहाँ पर आपका सही उत्तर है सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैलको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन दिए जा सकते हैं रायपुर, छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर, उड़ीसा, डिगबोई, असम, नूनमती, असम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। नैलको का कार्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन है डॉक्टर एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। चलिए अब हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सत्य कथन है? ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ओपेनहाइमर है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन हैं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही है उपर्युक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ओपेनहाइमर मानी गई है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी माने गए हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 वाला किसे मिला? ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिया गोल्डेन, जान ओलाफास, कैटालिन कारिको। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है नरगिस मोहम्मदी। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 नरगिस मोहम्मदी को मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, साड़ी बुनाई के लिए, चिकनकारी के लिए, कालीन बुनाई के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है कालीन बुनाई। आपसे पूछा जा सकता है कि 106वां संविधान संशोधन संबंधित है? ऑप्शन है EWS, GST, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, SEBC। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 2024 के संदर्भ में। विकल्प दिए गए हैं 161वां, 159वां, 160वां, 158वां। यहाँ पर आपका सही उत्तर है
169वां। आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, केसी नियोगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट लाएँ तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हिंदी विषय से BPSC की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, 6-8 टीचर बनना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमने आदिकाल पर चर्चा कर ली है, उसकी प्लेलिस्ट आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। हम अपने चैनल पर हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।